अग्रवाल सत्संग भवन पुरानी अनाज मंडी गोहाना में संकट मोचन मित्र मंडल द्वारा एक संगीतमयी नृत्यमयी सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। संकट मोचन मित्र मंडल से राम कुमार मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित व श्री रामदूत हनुमान मंडल जयपुर द्वारा प्रस्तुत इस संगीतमयी व नृत्यमयी सुंदरकांड पाठ में परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज सामोद राजस्थान का विशेष सानिध्य व आशीर्वाद रहा। सुंदरकांड पाठ के इस भव्य कार्यक्रम में सुबह भारी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया और इसके उपरांत सुंदरकांड पाठ में उमड़ी भीड़ ने मंच पर प्रज्वलित ज्योत ग्रहण की व नाचते गाते हुए सुंदरकांड का पाठ किया। जगत महा न्यूज ने इस दौरान विशेष रूप से पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमाणी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ोक, डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता, डॉक्टर भूषण कुमार गुप्ता से आज के भव्य धार्मिक आयोजन के बारे में बात की और जाना कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में कैसे जागृति लाई जा सकती है। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं सहित राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमाणी, राजू इंद्रजीत विरमाणी, जजपा गोहाना हल्का अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत, भाजपा गोहाना मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ोक, बार एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र भनवाला, प्रसिद्ध समाज सेवी सत्यनारायण गुप्ता, डॉक्टर भूषण गुप्ता, समाज सेवी विकास जैन व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये रामायण में वैसे तो बहुत से कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, आने कांड है, लंका कांड है, लेकिन सुंदर कांड में एक विशेष भक्ति स्वरूप है, इसलिए इसी सुंदर कांड की ज्यादा व्याख्या की जाती है। और इसका वैसे तो बहुत ही गंभीर अर्थ है, छोटी के अर्थ है, लेकिन यहाँ सारी बातें तो नहीं कह जा सकती, लेकिन एक भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार उसकी जानकारी के लिए भावी पीढ़ी के लिए ये आयोजन जगह जगह होते हैं और करने चाहिए ताकि लोगों को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान हो सके। गोहाना के समाज सेवी मेरे भाई राम कुमार मित्तल जी, जिन्होंने गोहाना में सुंदर काट के पाठ के आयोजन किया है, उन्होंने बताया कि भगवान ने जीवन दिया है तो हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। ये सुंदर कांड का पाठ रामचरित मानस उनके जीवन और उनके संस्कार और अच्छी सोच के साथ हमें जोड़ा हुआ है कि हम भी अपने जीवन को वैसे ही बनाए और परमात्मा को याद करें। धार्मिक आयोजन समय समय में गोहाना इन चीजों में आगे है, सभी को भाग लेना चाहिए और ये बहुत पैसे के रूप में भगवान हनुमान का सुंदरकांड का पाठ होगा, सभी को सुनी है और ये आयोजन होते रहने चाहिए। धार्मिक आयोजन बहुत जरूरी है ये समाज के लिए, बहुत ही अब्सॉर्बिंग, बहुत आनंद देने वाला, बस कृपा ही कृपा, बहुत बढ़िया। राधेश्याम जी, आज ये जो है सुंदरकांड का पाठ यहाँ गोहाना में किया जा रहा है, भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम के बारे? सबसे पहले तो मैं अपनी आयोजन समिति की तरफ से सभी गोहाना वासियों का स्वागत करता हूं और जो ये आयोजन हमने किया है यहां पे, ये हनुमान बाबा की असीम कृपा है जो हमें गोहाना वासियों को ऐसा मौका मिल रहा है। और ये जो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जयपुर से हमारी टीम आई है जिसमें 70 लोग के करीब आएंगे और ये एक अल्टीमेट प्रोग्राम है। यहाँ पे गोहाना के एरिया में ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, तो हमारे प्रधान रामकुमार मित्तल जी का विचार था कि हम गोहाना में ऐसे प्रोग्राम करें कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे बच्चे अपने धर्म के प्रति उत्साह बने। आधुनिक शिक्षा को देखते हुए जिस प्रकार से बच्चे जो है हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, रामायण का पाठ नहीं करते थे, गीता का पाठ नहीं करते थे, लेकिन अब जिस प्रकार से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इससे कुछ फायदा होगा समाज को? हाँ, देखो ना, हमने साक्षात जैसे समाज में आजकल बच्चे ज्यादा टीवी की तरफ देखते हैं, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको संगीत में बनाया ताकि आज की पीढ़ी बोर ना हो, क्योंकि आपने देखा कोई भी फंक्शन हम करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, उस बोरता को दूर करने के लिए हमने ये संगीत में ही किया है ताकि हमारा बच्चे जो हमारी संस्कृति से दूर हो गए हैं वो उनका उत्साह बढ़े इसकी तरफ। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए, दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए, इस तरह का पाठ करना, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए? युवा ही है जो आज के टाइम में हमारी संस्कृति को आगे लेके जाएंगे। आप देख रहे पंडाल में कितने युवा है, जो कार्यकर्ता भी है, जो बैठे भी है, जो सुंदरकांड आनंद भी ले रहे हैं, युवा ही है जो संस्कृति को आगे लेके आए हैं और आगे लेके आएंगे।